देखिए आपका पूरा दर्द तो मैं समझ नहीं सकता हूँ, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ, शायद मुझे क्या करना चाहिए, एक दिन एक पूरा दिन रिक्शा चला देना चाहिए। नहीं, और मैं सोच रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ शायद मैं करूँ ये, क्योंकि तभी मुझे आपका दर्द समझ आएगा, तभी मुझे समझ में आएगी भैया जो मजदूरी होती है उसका मतलब क्या है। मजदूर अपने सिर पे बोझ उठाता है। और कुछ दिन पहले मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया और पतले से लोग थे, उन्होंने मैंने उनसे पूछा भैया कितना वजन उठाते हो तुम, और उन्होंने कहा भैया हम 40 किलो उठाते हैं सिर पे। और मैं सोच रहा था भाई मैं जिम जाता हूं 40 किलो तो मैं भी सिर पे नहीं उठा सकता हूं, कि मैं आपके बीच में आऊं आपसे थोड़ा पूछूं भाई क्या है वहां पे उसका, जैसे आपका हाथ कहां है, वो मैं देख रहा था आपका हाथ कटा हुआ है ये देखो, तो मैं थोड़ा इससे पूछ लूं कैसे हुआ क्या हुआ, तो मैं समझ सकता हूं कि भैया इनके सामने मुश्किल क्या है। तो जनता की बात सुनने से मजा आता है, समझने से मजा आता है। जो मजदूरी करता है 40 किलो सिर पे उठाता है, जो रिक्शा चलाता है वो भी मजदूरी करता है। हाँ, हम हमारा नाम साहब रविंदर राजभर जी है। रविंदर राज राजभर भर प्रॉपर, हम यहीं बनारस एक चंदौली कस्बा है वहीं के रहने वाला हूँ। ना साहब हमारे पास कोई जगह जमीन है, हमारे पास एक झोपड़ी जरूर है, उस झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, हमारे दो बच्चे हैं, दो बेटा है, रक्षा आज हम 15 साल से चलाते हैं, पूरी बनारस की स्थिति हम जानते हैं। बाकी बाबूजी रक्षा चलाकर हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर सकते हैं, इन रक्षा चलानों में हमको बहुत धक्का खाना पड़ता है। हम लोग सवारी बैठा कर लेकर बाबूजी जाते हैं, हम लोग अपने जायज पैसा मजदूरी मांगते हैं तो हम लोग को तमाचा मिलता है, गाली मिलता है, लात मिलता है, हम लोग की बाबूजी सही मजदूरी नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी हम अपने बच्चे अपने गरीब आदमी हम अपने बच्चों का पेट इसी रक्षों से हम बाबूजी चलाते हैं। इसके आगे बाबूजी हम हमारे परिवार टोटल हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बाकी उसमें जो कि हम लोग पूरी ही तरीके से कांग्रेस को प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूजी हम लोग गरीब आदमी की आपकी बात कभी नहीं मिलती है। बाकी बार धन्यवाद राहुल गांधी जी, जो कि एक वाकई में हमने अपने जीवन में सोचे थे कि आपकी तस्वीरें देखते थे शहर में, यहाँ वहाँ पोस्टर सब लगे हुए हैं, देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि बार हमारे पीड़ा को आप चंदौली में आए हुए थे, वहीं प्रॉपर हम चंदौली के ही रहने वाले हैं, वहाँ से 5 किलोमीटर शहर की दूरी के बाद हमारा गाँव है। माइक वाले जरा माइक ठीक कर दीजिए, क्योंकि कन्फर्म सही आवाज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि आप आज मैं अपने राजा से अपने प्रिय के देश के नेता से एक भैया एक बात बताओ मुझे, आप जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया इस धंधे में आप आए कैसे? बाबूजी गरीबी लाई। तो क्या कैसे हुआ, आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी एक छोटा मोटा गृहस्थ थे, मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाए लिखाए, 8वीं 10वीं फेल हूँ साहब, 10वीं फेल के बाद हमारी पत्नी आ गई, हम सोचने लगे कि बाबूजी हम लोग को किसी तरीका से कैसे कैसे पढ़ा दे खिलाए, अब शादी भी हमारी हो गई, इसलिए बाबूजी हमने कुछ दिन तक धक्के खाए, फिर उसके बाद इसी बनारस में हम अपना रक्षा जो है चलाने लगे, उसी रक्षा के सहारे आज हमारे पास बाबूजी 4 बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में बाबूजी पढ़ाते हैं, बाकी बच्चों के साथ बाबूजी मैं मेहनत करता हूँ, बाकी उस पढ़ाई से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। बच्चों को आप तो इतनी बढ़िया शिक्षा देते हैं कि कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, सब देते हैं, बाकी उस बच्चों को सिर्फ जैसे कि भीख मिलता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते बाबू जी? अगर आप कर पाते सबका सब कर पाते तो आप क्या चाहते कि आपके बच्चे का नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम क्या जी? बेटी का नाम एक मंजू है। तो मंजू के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या करना मंजू चाहिए उसके लिए? अच्छी पढ़ाई चाहता हूँ, अच्छा उसका जीवन चाहता हूँ, अच्छी सुखसाल से मंजू हमारी रहे, उसको शिक्षा मिल जाए। और वो आपसे क्या कहती है? मुझसे कहती है कि पापा हमको आप अच्छे तरीके से पढ़ाएं, बाकी हम उसको पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास साल में पैसे नहीं है कि उसको कहीं हम अच्छे स्कूल में एडमिशन हम उसको दे दें। मेरी भी बड़ी तमन्नाएं हैं। जब आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हो,
तो आपको क्या लगता है कि भाई? हमको बाबूजी बड़ी गाड़ियों से देखकर हमको कोई नाराजगी नहीं है, हमको सिर्फ अपने जिंदगी अपने किस्मत से देखकर नाराजगी है कि ठीक है हम तो गरीब के घर पैदा हुए तो हम क्यों बड़ी बिल्डिंगों का ख्वाब देखें, हम क्यों बड़ी गाड़ियों का ख्वाब देखें। ठीक है हम मेहनत करेंगे, हमारे जिसे कहते हैं बनारस के भाषा में महाबोले बाबा सबको देखते हैं, उसी बीच में हम लोग अपना साफ जीते हैं खाते हैं। बाकी आज हम लोग को जो प्यार दिए हैं आप, इसका एहसान हम रविंद्र राजभर पूरी अपनी समाज की तरफ से कहते हैं कि कभी नहीं उतारेंगे। मैं एक महिला से बात कर रहा था, एक दिन गरीब महिला से बात कर रहा था और मैंने उससे वो सवाल पूछा कि भाई गरीब में और अमीर में क्या फर्क होता है, तो उसने मुझे जवाब दिया जो मुझे काफी अच्छा लगा। उसने कहा कि जो गरीब होता है उसके पैरों के नीचे फर्श नहीं होता है, वो गिर जाता है, दलदल सी होती है, हर रोज उसे दलदल में चलना पड़ता है, और जो अमीर लोग होते हैं उनके पैरों के नीचे एक फर्श सा होता है, जो अमीर का बच्चा होता है वो हेलो हेलो माइक वाले देखिए माइक काम नहीं कर रही है आप लोग की चुपचाप। वो कॉलेज में जाता है उसको कम से कम चल रहा है ये। तो उसने मुझे बताया कि क्यों नहीं हम गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श बनाए तो वो उसके नीचे तो ना गिरे, और अगर उनके नीचे एक फर्श होगा तो वो आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे आपने मुझे उदाहरण दिया अभी, अब आप पूछ रहे हो फर्श का क्या मतलब। अभी आपने मुझे उदाहरण दिया कि देखिए हमारा रिक्शा का स्टैंड नहीं होता है, तो एक प्रकार का फर्श रिक्शा का स्टैंड हुआ कि भैया आपको अगर रिक्शा का स्टैंड मिला तो आप हर रोज अपने आप से कह सकते हो कि भैया हमारी जिंदगी थोड़ी आसान है, हमें आगे सामने का दिख रहा है, आज आपको कल का नहीं दिख रहा है कि कल क्या होगा आपको नहीं मालूम। सही बात है गलत बात? आपको लग रहा है कि हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, अभी के आप बता सकते हो कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मगर आज शाम के भी नहीं बता सकते हो।